फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि स्नो ग्लोब घर पे कैसे बना सकते हैं। लॉकडाउन है, बच्चे बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो घर पे वो हो रहे हैं बोर। तो चलिए हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि बच्चे इसे बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्नो ग्लोब बनाने के लिए हमें एम्प्टी बॉटल चाहिए। मैं ये बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो ऑब्वियस है ग्लास की बॉटल तो यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिक की बॉटल, ग्लिसरीन और ग्लिटर। इसके लिए बॉटल मैंने ले ली है और ये बॉटल के ऊपर शिप लगाने वाली हूँ, लेकिन शिप का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो इसे थोड़ी हाइट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ये कैप यूज़ करूँगी। अब ये कैप के ऊपर मैं ग्लू गन की हेल्प से शिप को स्टिक कर लूँगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप कोई भी वाटरप्रूफ ग्लू यूज़ कर सकते हैं। इस शिप को कैप के ऊपर अच्छे से फिक्स कर लेना है ताकि ये पानी में जाने के बाद निकल ना जाए। अब मैं यहाँ पे फेविक्विक की हेल्प से इस दोनों कैप को, जो मेन कैप है उसके ऊपर स्टिक कर लूँगी और साइड में थोड़ा ग्लू गन से अच्छे से फिक्स कर लूँगी। इसे बहुत अच्छे से फिक्स कर लेना है और ये अच्छे से हो गया है फिक्स। अब हम लोग बॉटल में ग्लिटर पाउडर डाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं ग्लिसरीन डाल रही हूँ। ग्लिसरीन अगर आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बस ग्लिसरीन से ये होगा कि हमारा जो ग्लिटर है वो स्लोली स्लोली नीचे आएगा और आप सिर्फ पानी यूज़ करेंगे तो वह जल्दी नीचे बैठ जाएगा, तो इसीलिए आप ग्लिसरीन यूज़ कीजिए। और अब इसमें हम लोग डाल लेंगे पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि ग्लिटर थोड़ा लाइट वेट होता है, तो उसे मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इस कैप के ऊपर मैं एक लेस लगा लूँगी। आपको कोई भी अगर स्टिकर पसंद है या फिर जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉपरली स्टिक कर लेना है कैप की राउंड में और एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग कट कर लेंगे।
अब हम लोग कैप को कर लेंगे क्लोज और ये हमारा स्नो ग्लोब है रेडी। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बच्चे तो इसे बहुत देर तक खेलते रह सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। और इसी टाइप में हम लोग फिशेस और ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम बाकी चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे इस बॉटल में मैंने कुछ फिशेस डाल दिए, कुछ स्टोन डाल दिए और ग्लिटर डाल दिया है। सेम प्रोसीजर से आप ये भी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे प्लीज़ बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।